अब हम ये देखते हैं कि एक ही दफा हाउ वी कैन कन्फिगर द होल कैंपेन क्योंकि हमने डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए हैं इन मल्टीपल डिस्कशंस बट नाउ व्हाट वी विल डू वी विल ट्राई टू रन अ कंप्लीट एंड टू एंड कैंपेन इन वन गो ये हम जरा एक दो मरतबा प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि आपको एक ही मरतबा एक एक ही मरतबा पिक्चर समझ आ जाए कि कंपेन जब आपने क्रिएट करनी है तो उसके कितने स्टेप्स हैं एक ही गो में अब हम ये एक कंपेन क्रिएट करते हैं जस्ट गो टू फेसबुक डॉट कॉम स्लैश बिजनेस स्लैश प्रोडक्ट्स में जाएँ तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा आपने क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो मैं क्योंकि ऑलरेडी लॉग इन हुआ हुआ हूँ तो अगर आप लॉग इन नहीं होंगे तो इट विल लॉग इन टू योर यानी इस तरह का एक आपके सामने कोई इंटरफेस आ जाएगा जिसको हम लोग ऐड मैनेजर एड्स मैनेजर लिखा हुआ या डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ चीज कह सकते हैं, लेकिन ad Manager है basically. तो अब ये तीन चीजें आपने कॉन्फिगर करनी है एक यानी ऑब्जेक्टिव एक एड सेट यानी एड की सेटिंग और दूसरा एड इट सेल्फ है क्या actually. तो we'll start with that. अब ये तीन चीजें हमारे पास क्योंकि थी अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी चीज की फेसबुक के थ्रू कोई आप इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं ट्रैफिक इंक्लूड करना चाह रहे हैं या आप कन्वर्जेंस को चेक करना चाह रहे हैं सेल्स कैटलॉग करना चाह रहे हैं तो लेट्स हम जाते हैं ब्रांड अवेयरनेस पे अब जैसे ही मैं ब्रांड अवेयरनेस पे गया तो अब उसने मुझसे कैंपेन का नाम पूछा ब्रांड अवेयरनेस से मुरादी होती है आसान लफ्जों में कि एक कंपनी है वो लोगों को कुछ बताना चाह रही है अबाउट दियर ब्रांड फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज अ ब्रांड या मर्सडीज बेंस इज़ अ ब्रांड सो वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक नया ब्रांड आया इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये एक कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पेट सपोज लिख दिया मर्सडीज शाइनर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कैंपेन का नाम रख दिया उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब ये कैंपेन जो है मुझे अब इसकी ये तीन चीजें सेट करनी है ऑडियंस प्लेसमेंट यानी ये ऐड कहाँ पे नजर आएगा और फिर उसका बजट ये ऐड की सेटिंग है तो सबसे पहले मुझे एड की सेटिंग का नाम सेलेक्ट करना है तो लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूं अवेयरनेस ऑफ न्यू मर्सडीस बेंस फॉर एग्जाम्पल और मैंने इसको रीनियम कर दिया उसके बाद मुझसे वो ये पूछ रहा है कि किस ऑडियंस यानी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है वो कौन सी ऑडियंस है जो आपके इस कंपेन का इस ब्रांड की मोस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडियंस कौन सी होगी आपके ख्याल में सो so, सबसे पहले आप ये ऑडियंस का साइज देखने जो ऑलरेडी अभी दिखा रहा है कि योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड क्योंकि मैंने जो अभी लोकेशन सेलेक्ट की हुई है दैट इज़ अ पाकिस्तान तो अब हमें यह पता है कि मतलब इस ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर एग्जाम्पल यूरोप या यूएसए ए या कैनेडा एंड सो ऑन सो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैनेडा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी कि जो कैनेडा है उसको एज अ कंट्री ऐड करें तो अब आप ये पोटेंशियल रीच देखें क्या आ रहा है हमारे पास समथिंग इन मिलियंस यानी करोड़ों में आ रहा है उसके बाद मैंने लोकेशन uh, और ऐड कर दी मैंने यहाँ पे अब सेलेक्ट किए इंक्लूड एवरी वन इन दिस लोकेशन मैं ये भी कर सकता हूँ पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन पीपल हु हैव रिसेंटली इन दिस लोकेशन पीपल हुर ट्रेवलिंग टू दिस लोकेशन लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन सो जस्ट सी के हमारे पास नंबर्स कैसे चेंज होते हैं जस्ट सी दिस थिंग ये अभी तक चेंज नहीं हुई मैं अब लिखता हूं पीपल हुआ हुआ रिसेंटली इन दिस लोकेशन तो नाउ लुक आउट दिस थिंग नंबर ड्रेसिकली कम हो गया पहले 58 एट समथिंग था अब 21 हो गया और डेली रीच चेंज नहीं हुई है लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नया कंट्री ऐड करता हूँ फ्रांस का देता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो फ्रांस मैंने किया तो जस्ट लुक आउट के डेली रीच हमारे पास अब सिक्सटी फाइव थाउजेंड हुई है और वो ट्वेंटी वन से थर्टी वन हो गया थर्टी फाइव हो गया सो द द इशू इज़ कि जैसे जैसे आप कंट्रीज इंक्रीज करते जाएंगे दीज स्टैट्स विल वेरी दिस इज़ द ऑडियंस पार्ट उसके बाद अब आप एज ग्रुप बता रहे हैं कि किस एज ग्रुप के लोग इस ब्रांड में यानी मर्सिडीज बैंस के ब्रांड में इंटरेस्टेड होंगे अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कोई अठारह साल का बच्चा गाड़ी नहीं खरीदेगा बहुत कम है होगा कि कोई बंदा खरीदे तो लेट सपोज़ हम कहते हैं जी के 40 प्लस या 40 से 50 के दरमियान लोग होंगे जो हमारे पोटेंशियल बायर्स होंगे तो मैं लेट सपोज़ 40 से 50 के दरमियान मैंने किया ऐड तो अब उसने कहा जी एस्टीमेटेड डेली रीच 5500 से 34,000 और लुक एट दिस नंबर 69,000 6 लाख नब्बे हज़ार सिक्सटी छः करोड़ नबे हज़ार ये हमारे पास फिगर आ रही है उसके बाद मैंने कहा जी कि इफ़ आई गो फॉर मैन ओनली तो नाउ यू कैन सी ये नीयरली हाफ हो गई है और ये थर्टी फोर हंड्रेड से ट्वेंटी वन थाउजेंड तक डेली की रीच हो गई है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी जर्मन फॉर एग्जांपल और मैंने यहाँ पे लिख दी फ्रेंच अब आप ये देख लें कि फ्रेंच जो है इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन कैनेडा यानी ये कैनेडा में भी बोली जाती है जो फ्रेंच का जो कैनेडा का सूबा है क्यूबिक वो फ्रेंच स्पोकन है बेसिकली तो यू कैन सी दीज नंबर्स उसके बाद मैं इसको इस ऑडियंस को सेव कर दिया ये दूसरा स्टेप हो गया उसके बाद मैंने अब ये बताना है कि जब ये ऐड नज़र आए तो क्या ये एड जिन लोगों तक पहुँचे क्या मैं चाहता हूं कि फेसबुक वाले खुद डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस या मैं खुद कॉन्फिगर करूं अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो गो फॉर दिस ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई योर यानी खुद से भी आप आप कॉन्फिगर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अब यानी किस किस तरह के ऑडियंस को ये मैसेज पहुँचे तो मैं लेट्स लेट्सपोज अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे जाता हूँ उसके बाद मैं डेली बजट सेट करता हूँ लेट सपोज़ मैं कहता हूँ जी कि आई गो फॉर फिफ्टी डॉलर पर डे और और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो ये कैंपेन है आई वॉन्ट टू रन दिस कैंपेन फ्रॉम लेट सपोज़ फर्स्ट मई से लेकर लेट सपोज मैं कहता हूँ ये कैंपेन चलानी है थर्टी फर्स्ट मई तक तो इट विल टेल यू कि योर एल विल रन फॉर थर्टी डेज एंड यू विल स्पेंड नो मोर देन फ़िफ्टीन हंड्रेड डॉलरस क्योंकि डेली के फिफ्टी डॉलर्स हैं तो फिफ्टी को थर्टी से किया वन फिफ्टी यानी फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर मेरे पास आ गए मैं लट सपोज इसको कम करके फोर डॉलर पे लेके जाता हूँ तो अब देखें ये अमाउंट चेंज होकर वन ट्वेंटी पे आ गई उसके बाद मैंने इसे कन्फर्म किया यानी कंटिन्यू किया तो इट विल इट विल कम हेयर कि जहाँ मुझे अब ये बताना है कि मेरे जो ये मैं बना रहा हूँ ऐड इसकी आइडेंटिटी क्या है फेसबुक पे आइडेंटिटी अमूमन आपका फेसबुक पेज होता है फेसबुक पेज आपका अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है नहीं करता यानी ये मेरे कुछ फेसबुक पेज एग्जिस्ट किए हुए हैं मैं लेट सपोज यहाँ से टेस्ट पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर आपके पास कोई फेसबुक पेज नहीं बना हुआ तो यू कैन ऑल्सो गो हेयर यानी आप प्लस के साइन पर क्लिक करें ब्रांड एंड प्रोडक्ट पर जाएँ तो इसको इट विल आस्क यू फॉर योर ब्रांड पेज यानी आप पेज भी Uh, आप कर सकते हैं तो लेट्स सपोज आप कहें कि जी लग्जरी कार्स फॉर एग्जांपल और आप कैटेगरी सेलेक्ट करें लेट्स सपोज आप कहते हैं कार्स यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर दें द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट पेज तो आपका एक इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट या कंपेन के अगेंस्ट एक पेज क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने ये बताना है कि आपके जो एड नजर आएगा उस पर इमेज़ क्या कंटिन्यूसली आ रहे होंगे क्या स्क्रॉल फॉर्म में होंगे यानी क्रॉसुल से मुरादी होती है कि आपके जो इमेज़ हैं वो ऑन अ क्लिक आ रहे हैं यानी स्क्रॉलेबल फॉर्म में आ रहे हैं सिंगल इमेज से मुराद ये कि आप एक वक्त में छः से ज़्यादा इमेज अपलोड कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही नज़र आएगा वीडियो भी कर सकते हैं स्लाइड शो भी कर सकते हैं यानी एक कंटिन्यूस फिक्स टाइम के बाद आपके इमेजेस अगला इमेज ऑटोमेटिकली रोटेट लूप होता रहेगा रोटेट होता रहेगा उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका टेक्स्ट क्या होगा तो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये है मेरा कि जी लग्जरी लग्जरी कार्स ऑफर फॉर एग्जांपल उसके बाद मैं अगर ऐड एड वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ एड्स यानी वेबसाइट का यूरल देना पड़ेगा एक वैलिड वेबसाइट का यूरल देना पड़ेगा अगर यहां पे क्लिक नहीं भी करूँगा तो अगेन इट विल क्रिएट माई एड रीज़न ये है कि जो मैंने फेसबुक एड की कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना दैट वॉज ब्रांड अवेयरनेस इसलिए उसने मुझे यहाँ पे वेबसाइट को ऑप्शनल करने दिया है इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था फेसबुक का एड उसमें जो हमारा प्राइम गोल था ना वो था एंगेजमेंट यानी ट्रैफिक जनरेट करना तो उस वक्त जो यूआरएल था वेबसाइट का दैट वाज नॉट ऑप्शनल वो मैंडेटरी पार्ट था यू कैन सी हेयर कि जैसे ही मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ यानी मैं जैसे ही अपनी कंपेन की टाइप को चेंज कर रहा हूँ या कैटेगरी को चेंज कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट आ रही है अब मैं यहाँ से मोबाइल पे फीड से डेस्कटॉप फीड पे जाता हूँ सो दिस दिस इज हाउ माई एल विड लुक लाइक मैं उसे कमेंट कर सकता हूँ लाइक like कर सकता हूँ शेयर कर सकता हूँ एंड शो ऑन सो दिस इज द वे इन वन गो कि यू कैन क्रिएट योर 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 फेसबुक कैंपेन और जैसे ही आप फेसबुक कैंपेन uh, आप बना लेते हैं सक्सेसफुली तो उसके बाद अगली चीज़ ये है कि यू वांट टू सी इट सी से मुराद है कि इसकी परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है तो जिस तरह गूगल में गूगल एनालिटिक्स था बिल्कुल वैसे ही अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ ताकि मैं आपको फेसबुक uh, एनालिटिक्स पे दिखा सकूँ हाउ हाउ टू हाउ टू व्यू दिस कंपेन तो मैं गूगल पे गया मैंने यहां पे लिखा फेसबुक एनालिटिक्स फेसबुक एनालिटिक्स में मैंने सर्च की एनालिटिक्स डॉट फेसबुक डॉट कॉम ओपन हो गई द मोमेंट आई विल लॉग इन तो uh, मैंने क्लिक किया तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा वेन आई विल लॉग इन तो आई शुड बी एबल टू सी द गूगल फेसबुक एनालाइज़र फेसबुक एनालाइजर इज़ जस्ट लाइक योर गूगल एनालाइजर गूगल एनालिटिक्स सो ये आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है सारी कंपेन मेरी दिखा रहा है एक्चुअली इस वक्त कि कौन कौन सी कंपेन मैंने uh, यहाँ पे क्रिएट की हुई है लेट सपोज स्कीन प्रोडक्ट थी जो मैंने uh, यहाँ पे क्रिएट की थी तो यहाँ पे मुझे एक्टिविटी ऑफ लास्ट 24 फोर आवर बाय आवर क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपके सामने क्रिएट की थी तो एक यूनिक यूजर है यानी ये इस वेबसाइट का जो वेबसाइट थी जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट पे जो यूनिक यूजर है वो भी एक है बाय आवर अभी अभी डाटा नहीं है हमारे पास तो दिस एक्टिव यूजर एज एंड जेंडर नाउ यू कैन सी के जो आपने वेबसाइट दी थी ना आपने एड बनाते वक्त तो उस वेबसाइट पर जितने क्लिक्स हो रहे हैं जितनी ट्रैफिक आ रही है वो आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं सो दिस इज फेसबुक एनालिटिक्स फेसबुक एनालाइजर